हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी सीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी एलटीगेट केवीएस एनवीएस अदर स्टेट के यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एमपी टेट हो, सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज हैं मेरे चैनल पे। जैसा कि दोस्तों, यदि आप मेरे थ्योरी वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के थ्योरी वाले सेशन को सभी टॉपिक को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जरूर देख लीजिए। फिर आपका टॉपिक वाइज थ्योरी वीडियोज तो है ही, बट प्लस प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन भी 100 से ज़्यादा वीडियोज के सीरीज बनाए हुए हैं। एंड दोस्तों, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी दिया हुआ है। चैनल पे जा करके सभी चीज़ों को आप एक बार देख लेंगे तभी आपको विश्वास होगा, ऐसे नहीं तो आप ज़रूर जाके देखिए। दोस्तों, तैयारी में लग जाइए, टाइम आपके पास नहीं है, जो पहले से तैयारी करता है वही जीत हासिल करता है। आज के समय में इतना कंपटीशन है, हर साल कंपटीटर बढ़ रहे हैं, तो आपको सोचना नहीं है, शुरू कर दीजिए। अगर नहीं शुरू किए हैं तो अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा, क्योंकि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इस लाइन को आप ध्यान में रखिएगा, और कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती है। जैसा कि आप हरिवंश राय बच्चन जी का वो कविता सुने हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना खरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आखिर एक दिन बार बार गिरते और चढ़ते वह अपने दीवार पर चढ़ जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, कोर संधि यानी हिंज ज्वाइंट के परिपेक्ष में निम्नलिखित में से कौन सी गतियां सही हैं। तो दोस्तों, जो हिंज ज्वाइंट है जिसे कब्जा संधि भी कहते हैं, यह कब्जा मतलब होता है दरवाजा। जैसे दरवाजा एक ही तरफ खुलता है, उसी तरह हिंज ज्वाइंट में जो हमारा फ्लेक्स मूवमेंट होता है हमारे बॉडी की, एक ही तरफ गति करती है, इसे कोर संधि भी कहते हैं। यह हमारे यानी एक तल में गति करती है, एक दिशा में। हमारा नी ज्वाइंट यानी कोहनी का ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट यानी घुटने का ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट यानी कोहनी का ज्वाइंट, उंगलियों का ज्वाइंट और जबड़ों का ज्वाइंट इसमें आता है। तो इसमें आपका मूवमेंट होता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन दिया नहीं है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अपवर्तन अभिवर्तन, मतलब एबडक्शन एडक्शन, ए मूवमेंट इसमें नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, न तो एक और न ही टू यहाँ पे सही होगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारा मूवमेंट यानी कि जो हमारे जोड़ होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं शरीर में, मैं किनेसियोलॉजी के पार्ट में इसको डिटेल में पढ़ाई हूँ, तो उसको आप देख लीजिएगा। तीन प्रकार के ज्वाइंट है, चल अचल और अर्धचल संधि। अचल संधि जिसे फिक्स ज्वाइंट, फाइबर ज्वाइंट और साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट या इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, जिसमें हमारे दांतों का जोड़, जिसे हम गोम्फोसिस कहते हैं, और एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट यानी कि सिंडमोसिस आता है, और हमारे मस्तिष्क का ज्वाइंट आता है जिसे हम सचर ज्वाइंट कहते हैं। और दूसरा है अर्धचल संधि जिसे सिंगली मूवेबल ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट, एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट आदि नामों से जाना जाता है, जिसमें बहुत कम गति होती है, थोड़ा थोड़ा गति होती है। इसमें हमारा रीढ़ की हड्डी का ज्वाइंट जिसे इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट कहते हैं, और हमारे रिब्स ज्वाइंट जिसे सिंक्रोडोसिस कहते हैं, एंड हमारे टेल बोन के पास का जो कुल्हे का सबसे निचला हिस्सा आता है जिसे प्यूबिक सिम्फेसिस कहते हैं, ये अर्धचल में आता है। और दोस्तों, तीसरा होता है चल संधि। चल संधि को फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट एंड डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट कहते हैं। इन तीनों को याद करने का सूत्र है DAS, 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 DAS यानी चल, अर्धचल और अचल, यानी डायर्थ्रोसिस चल, एम्फियार्थ्रोसिस अर्धचल, साइनोथ्रोसिस अचल। एंड दोस्तों, आपका चल संधि जो होता है, जो फ्रीली मूवेबल होता है, मूवेबल ज्वाइंट होता है, यह 6 प्रकार का होता है, यानी कि इसमें 3 तलों में से किसी में भी तल में गति होती है, गति करने में फ्री रूप से सहायक होती है। जैसा कि यह 6 प्रकार का होता है, पहला है फिसलने वाले जोड़ यानी कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट,
जिसमें हड्डियों की दो चपटी सतह एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, जैसे हमारे कार्पस और टार्सस जोड़। दूसरा होता है बाल एंड साकेट ज्वाइंट, जिसे कंदुकखलिका संधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हड्डी का एक गोल सिरा दूसरी हड्डी के कप के आकार के सिरे में फंसा रहता है, जैसे सभी दिशाओं में इसमें गति होती है, जैसे कि शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। तीसरा होता है हिंज ज्वाइंट, जो कब्जा ज्वाइंट कोर संधि भी बोला जाता है। एक तल में गति होती है, एक दिशा में गति होती है, जिसे नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों ज्वाइंट और जबड़ों का ज्वाइंट इसमें आता है। चौथा है कॉन्डिलाइट ज्वाइंट, जिसे स्थूलक संधि भी कहते हैं। यह दो तल में गति होता है, फिर घूर्णन नहीं होता है। हमारे जो ब्रिस्ट ज्वाइंट होता है, कलाई का जोड़ इसमें आता है। पांचवा होता है धुराग्र संधि यानी पिवट ज्वाइंट, जिसमें सिर्फ रोटेशन मूवमेंट होता है, यानी कि एक हड्डी का सिरा दूसरे हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है। एग्जाम्पल के लिए सिर की गति सिर गर्दन पर घूमता है, और जो रेडियस और अल्ना हड्डी के ऊपर प्रोनेशन सुपाइनेशन होता है, घूर्णन गति होती है। एंड छठवां होता है सैडल ज्वाइंट, जिसे पृष्ठ संधि भी बोलते हैं। इसको परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि बोलते हैं। यह किसी भी दिशा व तल में गति करती है। एग्जाम्पल के लिए ट्रेपेजियम तथा प्रथम मेटाकार्पल अस्थि की संधि, जिसमें जो हमारा अंगूठा होता है प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है। तो इस प्रकार ये आपके ज्वाइंट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय प्रकार के लीवर के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जो हमारा उत्तोलक है वह तीन प्रकार का है, जिसमें से मैंने आपको ट्रिक बताया था FAR। क्या बताया था? FAR। इसको आप लिख दीजिए, ए आप जानते हैं एक्सिस जो होता है फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में होता है, तो FAR 312 आप याद कर लीजिए। इसमें से 312 का मतलब है कि जो पहले प्रकार का उत्तोलक है उसमें एक्सिस बीच में होता है, और दूसरे प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है, तीसरे प्रकार के उत्तोलक में फोर्स यानी कि बल बीच में होता है। तो फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में क्या होगा? एक्सिस फोर्स और रेसिस्टेंस के बीच होगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी भार एक्सिस और फोर्स के बीच होगा। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में फोर्स एक्सिस और रेसिस्टेंस के बीच होगा। प्रथम प्रकार के उत्तोलक को संतुलन का लीवर, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक को बल का लीवर, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक को गति का उत्तोलक कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ भी क्वेश्चन क्या पूछा है कि द्वितीय प्रकार के लीवर के परिप्रेक्ष्य में कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो दोस्तों, यहाँ पे केवल वन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि आलम यानी फलक्रम जो होता है बल के, आलम या फलक्रम के मध्य प्रतिरोध स्थित होता है, यानी कि रेसिस्टेंस यानी भार स्थित होता है। जैसे कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में तराजू, कैची, प्लास, सीसा झूला, बच्चों का झूला आदि आते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उत्तोलक वाले वीडियोस को देख लेंगे, सभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FPS में बल का मात्रक क्या है? तो दोस्तों, FPS का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड। इसका मात्रक होता है FPS में पाउंडल। क्या होता है? पाउंडल। पाउंड नहीं होगा, पाउंडल। पाउंड क्योंकि उसके फुल फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट है, गति विज्ञान किन्सिस के जनक हैं? तो दोस्तों, गति विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, जिन्हें एरिस्टोटल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपाकुंचन यानी प्रोटेक्शन और आकुंचन रिट्रैक्शन होता है? तो दोस्तों, यह कंधे में होता है, क्योंकि यह गतियां हैं हमारे शरीर की। क्या है? गतियां हैं हमारे शरीर की। जो गति है यानी ज्वाइंट्स मूवमेंट जो होता है वो चार प्रकार का होता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट और सर्कमडक्शन। ग्लाइडिंग मूवमेंट में कार्पस टॉर्सस आते हैं। एंगुलर मूवमेंट जिसे कोणीय गति कहते हैं, या हड्डियों के बीच का कोण घटना बढ़ना होता है, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन। रोटेटरी मूवमेंट में जिसमें रोटेट होता है, दो हड्डियों में घूर्णन होती है, यह आपका चार प्रकार का होता है। पहला आपका इनवर्सन, ईवर्सन
इनवर्सन यानी पैरों के पंजों को अंदर की तरफ मोड़ना, इवर्सन पैरों के पंजों को बाहर की तरफ मोड़ना, एंड दूसरा है सुपाइनेशन और प्रोनेशन। सुपाइनेशन मतलब मुंह ऊपर की तरफ करके लेटने की स्थिति, और प्रोनेशन मतलब मुंह को नीचे की तरफ करके लेटने की स्थिति। एंड तीसरा है इलेवेशन डिप्रेशन। इलेवेशन मतलब कंधे को ऊपर उठाना, और डिप्रेशन मतलब कंधे को नीचे लाना। रिट्रैक्शन मतलब शोल्डर ज्वाइंट को पीछे ले जाना, प्रोट्रैक्शन मतलब शोल्डर ज्वाइंट को वापस आगे ले जाना। इन्वर्सन मतलब मध्य रेखा की तरफ अंग को घुमाना, आउटवर्ड रोटेशन मतलब मध्य रेखा से बाहर अंग को घुमाना। एंड चौथा होता है सर्कमडक्शन मूवमेंट, जिसमें रोटेटरी और एंगुलर मूवमेंट एक साथ होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि आकुंचन यानी प्रोटेक्शन और आकुंचन अपाकुंचन यानी प्रोटेक्शन और आकुंचन यानी रिट्रैक्शन होता है, तो ये होता है आपके कंधे के ज्वाइंट में। किसमें होता है? कंधे के ज्वाइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल एंड साकेट संधि है? तो कौन सी है बाल एंड साकेट संधि? कंधे की संधि। नेक्स्ट है, हेमस्ट्रिंग कर्ल किस प्रकार का, किस लीवर का एग्जाम्पल है? तो हेमस्ट्रिंग कर्ल जो है तृतीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है। इसमें से आपको ध्यान में रखना है, जो आपका लीवर है वो जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म, जो अग्रबाहू का एक्सटेंशन है यानी कि विस्तार है, वो आपका प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आ जाता है। एंड एंकल फ्लेक्शन प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आ जाता है। एंड सिर का आगे पीछे झुकना, वॉलीबॉल में स्मैश करना प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, इतनी सब आती है। और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जैसे आपका सरोता, कूड़ा उठाने की मशीन, निबिन उचड़ने का मशीन, ये सब आता है। एक कब्जे पर घूमता हुआ दरवाजा हमारे शरीर में एग्जाम्पल है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में। प्लांटर फ्लेक्शन यानी पंजों का ऊपर की ओर उठना, और पुशअप लगाने की स्थिति, एंड जबड़े का खुलना बंद होना, एंड बास्केटबॉल व वॉलीबॉल में पंजे के से जंप लेना और उंगलियों की जोड़ जंप लेना आदि आता है, ठीक है। एंड तृतीय प्रकार के उत्तोलक में सबसे ज्यादा हमारे मानव शरीर में पाया जाता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक, उसमें आपका आर्म फ्लेक्शन यानी कि फ्लेक्शन जो होगा हाथों का, वो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आएगा, और हाथों का जो एक्सटेंशन होगा प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आएगा। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में थाई फ्लेक्शन, हेमस्ट्रिंग कर्ल, घुटने का मुड़ना, सीट अप, हाथ को ऊपर उठाना आदि आएंगे। नेक्स्ट है, कुश्ती में विरोधी को ऊपर उठाना न्यूटन के किस गति नियम का उदाहरण है? तो यह न्यूटन के फर्स्ट नियम, जड़ता के नियम का उदाहरण है। जैसा कि आप जानते हैं न्यूटन ने तीन गति के नियम दिए हैं 1687 में अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में। इन्होंने पहला नियम इनका है जड़ता का नियम, जिसे अकर्मण्यता का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इनके पहले नियम के अनुसार कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे आपका नाव खेना, रोइंग यानी स्प्रिंट दौड़ों में स्टार्ट लेना, रोमन रिंग का प्रारंभ करना, हैमर थ्रो का प्रारंभ करना, कुश्ती के विरोधी को ऊपर उठाना, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। द्वितीय प्रकार, द्वितीय गति के नियम इन्होंने दिया है, इन्होंने दूसरा नियम दिया है संवेग का नियम, जिसे त्वरण का नियम भी कहते हैं। इसे लाभ, मोशन, एक्सिलरेशन, मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत यानी दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। किसी वस्तु के एक निश्चित दिशा में संवेग परिवर्तन की दर व उस वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिफल का अनुपात त्वरण कहलाता है। एंड दोस्तों इसमें आपका द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में उदाहरण है रॉकेट को वायुमंडल में प्रक्षेपित करना, कुएं से पानी खींचने पर रस्सी के टूट जाने पर, ये आपका दूसरा प्रकार के गति का नियम है। तीसरे प्रकार के गति के नियम इन्होंने बताया है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे एक्शन रिएक्शन का नियम भी कहते हैं, और काउंटर फोर्स लॉ या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन भी कहते हैं। इनके क्रिया प्रतिक्रिया तीसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल वस्तु हम पर भी लगाती है। इसका एग्जाम्पल है क्रिया प्रतिक्रिया का तैराक द्वारा पानी में आगे बढ़ना, वॉकिंग यानी पैदल चाल, बंदूक चलने पर पीछे गिर जाना, गेंदों का ड्रिबलिंग करना, बाल को दीवार पर फेंकना,
ऊंची कूद में खिलाड़ी द्वारा नम सतह की जगह ठोस सतह का चयन करना, ये सभी इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक शरीर की ऊष्मा को पानी में किस प्रक्रिया के तहत छोड़ते हैं? तो चालन प्रक्रिया के द्वारा छोड़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, संधि के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ वाले स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम साइनोवाइटिस कहते हैं। खेल चिकित्सा यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंतर्गत इस सारे वीडियोज का आप देख लेंगे तो जितनी भी चोटें हैं, इंजरीज हैं, और जो हमारा जितने भी चाहे डोपिंग हो, चाहे मालिश यानी मसाज हो, सभी के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। नेक्स्ट है, हिंज संधि को कहा जाता है? तो दोस्तों, हिंज संधि को मूवेबल ज्वाइंट यानी चल संधि के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, तीन प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं, चल, अचल और अर्धचल। नेक्स्ट है, किसका उखड़ा जोड़ यानी डिसलोकेशन हम देख सकते हैं? तो दोस्तों, कंधे का डिसलोकेशन हम देख सकते हैं साफ साफ। नेक्स्ट है, शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं? क्रिया विज्ञान यानी कि हमारे शरीर की गति का विज्ञान, ठीक है। तो मानव शरीर के समस्त सभी भागों के क्रिया का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्थोलॉजी बोला जाता है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है, वृद्धि एवं विकास के 12 से 18 वर्ष की अवधि को कहते हैं? तो किशोरावस्था कहते हैं, आप सबको पता है। नेक्स्ट है, यदि कोई खिलाड़ी चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली क्रिया कौन सी गति कहलाती है? तो वह कोणीय गति कहलाती है, ठीक है। अपने हाथों पैरों को कभी फ्लेक्शन करता है, कभी एक्सटेंशन करता है, कोणीय गति से वो चलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है? दोस्तों, अभी मैं बताई हूँ, लीवर वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, उत्तोलक वाले, जिसमें आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप कभी उत्तोलक आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, कभी आप नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है पुशअप। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जो रेसिस्टेंस यानी भार होता है वो बीच में होता है एक्सिस और फोर्स के, यानी पुशअप में पूरा भार हमारा पूरा हाथों पर पड़ता है, यानी भार बीच में पड़ रहा है, यानी रेसिस्टेंस बीच में है। तो द्वितीय प्रकार के लीवर का एग्जांपल क्या है? पुशअप है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप का उदाहरण है? तो यह हवा में फेंकी हुई गेंद। प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप होता क्या है दोस्तों? कि किसी चीज को, यही भाला हो, चाहे गोला फेंक हो, चाहे तस्तरी यानी डिस्कस थ्रो हो, उसको किस एंगल पर फेंका जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करे, इसी को प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप कहा जाता है। तो हवा में फेंकी गई गेंद यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन ग्लाइडिंग ज्वाइंट का उदाहरण है? तो दोस्तों, ग्लाइडिंग ज्वाइंट का उदाहरण यहाँ पे कार्पस और टार्सस ज्वाइंट है, जो एक दूसरे पर फिसलती है। नेक्स्ट है, धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? तो यह अभिकेंद्रीय बल के कारण यानी कि सेंट्रीपिटल बल के कारण झुकता है। नेक्स्ट है, कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? दोस्तों, तो कोहनी या घुटने जैसा कि इसमें कब्जा संधि यानी कोर संधि इसे बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट पाया जाता है जो एक ही तल में गति करता है। नेक्स्ट है, लंबी अस्थियों का मानव शरीर में क्या कार्य है? तो लंबी अस्थियां मानव शरीर में उत्तोलक का कार्य करती है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस संधि में अस्थि को 360 अंश में घुमाया जा सकता है? तो कंदुकखलिका संधि यानी कि बाल एंड साकेट ज्वाइंट को 360 अंश में घुमाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। रोटेटरी मूवमेंट पूर्ण रूप से इसमें होता है। नेक्स्ट है, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? तो यह 400 मीटर का ट्रैक होता है स्टैंडर्ड माप। नेक्स्ट है, बायो मैकेनिक्स के शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे ऊपर क्या असर होता है? तो जहां पे समस्त भार कार्य करता है वहीं पे गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? तो वह होता है आपका पेल्विक।
नेक्स्ट है, निम्न से किस व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में संकुचन नहीं होता है? तो वह आपका करेक्ट आंसर है आइसोमेट्रिक व्यायाम। जैसा कि दोस्तों आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक तीन प्रकार के जो मांसपेशी जो फंक्शन होता है वो है। तो आइसोमेट्रिक में आइसो प्लस मेट्रिक, आइसो का मतलब होता है सेम, मेट्रिक का होता है लंबाई, यानी सेम लंबाई, जिसमें लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होती है, कोई संकुचन नहीं होती है और उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, जैसे कि दीवार को धक्का मारना। दूसरा होता है आइसोटोनिक, जिसमें आपका आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम गति, सेम तनाव, इसमें तनाव सेम रहता है आइसोटोनिक में, और मांसपेशी की लंबाई बढ़ती है घटती है दोनों होती है। जब लंबाई बढ़ती है तो उसके उसको घटती है, यानी फ्लेक्शन करते हैं तो हमारी लंबाई मांसपेशियों की घटती है, तो उसे कंसेंट्रिक कहते हैं। जो जब एक्सटेंशन यानी फैलाते हैं तो बढ़ती है तो उसको इनसेंट्रिक कहते हैं। तो ये आपका आइसोटोनिक हो गया। और जो दोस्तों जो हमारा तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक, जिसमें पानी वाले खेल, रोइंग, तैराकी आदि में और मशीनों द्वारा होता है, यानी सेम गति उसमें बनी रहती है, मशीनों द्वारा व्यायाम होता है। इसके बारे में मैं आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक क्या है इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ है, उस वीडियो को देख करके आप इतने सभी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांटल फ्रैक्शन, गतिविधि मूवमेंट केवल होती है। तो दोस्तों प्लांटल फ्रैक्शन होता है हमारे टखने यानी एंकल में, नेक्स्ट है जंपिंग, जंपिंग जैक में हाथ को बगल में उठाना, इसमें एक एग्जांपल है। तो यह एब, बगल में उठाना एबडक्शन मूवमेंट है, और नीचे लाना एडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ए हक्सले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था 1954 ईस्वी में। इन्होंने ही सबसे पहले बताया सिद्ध करके कि हमारे जो मसल्स होते हैं कैसे कंट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही है अस्थि और उपास्थि। नेक्स्ट है आपको सही मिलान करना है, तो इसमें जो कंधा है आपका बाल एंड साकेट ज्वाइंट हो जाएगा, जो कुहनी है वो एक तल में गति होती है तो हिंज ज्वाइंट हो जाएगा, गर्दन जो है रोटेशन करती है तो ये आपका पिवट ज्वाइंट हो जाएगा, कलाई जो है ये कलाई जो है कॉर्डिलाइट ज्वाइंट है बट इसमें दिया नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जैसा कि मैंने मिला ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मांसपेशी संकुचन के दौरान यदि किसी मांसपेशी के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इस संकुचन को क्या कहते हैं? तो आकार में यानी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो यह कौन सा संकुचन है? दोस्तों जैसा कि आप कई बार इस क्वेश्चन को दोहरा चुके हैं तो यहाँ पे आपका होगा आइसोमेट्रिक, क्या होगा? आइसोमेट्रिक मोमेंट, जहां पे कोई मोमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है शरीर के निम्न क्षेत्रों में कौन ऊपर और नीचे के भागों में विभाजित करता है? तो यह करता है आपका ट्रांसवर्स, जैसे कि दोस्तों हमारे शरीर में तल यानी कि प्लेन और एक्सिस यानी कि अक्ष वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। जो तल यानी कि अक्ष यानी कि एक्सिस होता है वह क्या होता है? यानी अक्ष एक काल्पनिक रेखा होता है जिसके चारों ओर गति होती है। तल यानी प्लेन क्या होता है? वह सतह जो अक्ष यानी एक्सिस के लंबवत पाया जाता है जिसे शरीर में गति होती है। ये दोनों तीन तीन प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ प्लेन यानी तल तीन प्रकार के होते हैं, सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेजिटल प्लेन को लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं और यह शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होती है। जो फ्रंटल प्लेन होता है दूसरा प्रकार, वह क्रोनल या एंटीरियर या पोस्टीरियर प्लेन भी उसको कहते हैं, जो शरीर को आगे पीछे बांटती है और गति दाएं बाएं होती है, एबडक्शन एडक्शन मूवमेंट इसमें होता है।
और तीसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं, या शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटती है। सभी घूर्णन और चक्रीय गति इसमें होता है। नेक्स्ट है, संधि और पेशियों के बीच स्थित अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो इसको स्वामित्व अभिग्राहक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, पेशी और संधि का दाह प्रतिक्रिया के उपचार में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? तो कार्टिसन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, खुराक का प्रोटीन हिस्सा प्रमुख होता है, तो किसके ये प्रोटीन है, किसके खुराक का प्रमुख हिस्सा होता है? जो हमारी मसल्स बिल्ड, बॉडी बिल्डर के लिए जो प्रमुख बल प्रमुख खेल होते हैं, किसमें? बल प्रमुख खेल में, बल प्रमुख खेल में जो हमारा स्ट्रेंथ का चीज होता है, बल लगाने का, उसमें हमारे मांसपेशियां मुख्य रूप से भाग लेती हैं, तो उसमें प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, फुटबॉल खेलते समय इस प्रकार की ऊर्जा में उपयोग में आती है, तो उस समय गतिज ऊर्जा उपयोग में आती है। नेक्स्ट है, गले का जोड़, इसका उदाहरण है, तो गले का जोड़ हमारे गर्दन का ज्वाइंट है, उसमें रोटेशन होता है, एक अक्ष पे गति होता है, तो यह आपका होता है धुराग्र संधि, यानी कि पीवट ज्वाइंट। नेक्स्ट है कि घूमने वाले बाल द्वारा अनुभव किया बल जब वह हवा में चलता है तो उसे कहते हैं, तो दोस्तों उसको हम कहते हैं मैग्नस फोर्स। क्या कहते हैं? मैग्नस फोर्स। नेक्स्ट है, श्लेष्मक संधि है, तो यह मुक्तता चल संधि है, यानी कि चल संधि। नेक्स्ट, बॉल एंड सॉकेट संधि के आसपास संचलन होता है, तो उसके आसपास फ्लेक्शन एक्सटेंशन यानी आकुंचन प्रसारण भी होता है, घूर्णन प्रत्यावर्तन यानी कि रोटेशन, और अति प्रसार यानी कि हाइपर एक्सटेंशन भी होता है, तो ये सभी मोमेंट होते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में। नेक्स्ट है, चक्का जब छोड़ा जाता है तब कौन सा बल लगता है? दोस्तों तो यहाँ अपकेंद्री बल केंद्राभिसारी बल से अधिक होता है, तो जब हम बॉल चक्का को घुमाते हैं तो उस समय केंद्राभिसारी यानी सेंट्रीपिटल बल ज्यादा लगता है, जब हम उसको छोड़ते हैं फेंकने के लिए तो वहां पे अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल बल से ज्यादा केंद्राभिसारी बल यानी सेंट्रीफ्यूगल बल होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक संचरण में होता है, तो प्रत्येक संचरण में एक धुरी और एक तल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? दोस्तों स्थिति में परिवर्तन विस्थापन कहलाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस बिंदु पर शरीर का संपूर्ण द्रव्यमान यानी कि भार या वजन केंद्रित हो सकता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं उसको, ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी। जिस बिंदु पर शरीर का संपूर्ण भार यानी कि द्रव्यमान कार्य करता है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, वो उसी को हम कहते हैं गुरुत्व मध्य यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत पुनर्निवेशन इसके द्वारा सरल होता है, तो वह होता है गति बोधक ज्ञान के द्वारा। नेक्स्ट है, पावर लिफ्टिंग में प्रकार होते हैं, तो पावर लिफ्टिंग में आपका होता है स्क्वाड, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट आदि इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंज संधि होती है, तो हिंज संधि क्या है, किसमें आता है, चल संधि में कि अचल संधि में कि अर्धचल संधि में? तो यह चल संधि में यानी कि सचल संधि में आएगा। नेक्स्ट है, मुख्यतः शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? तो उसको समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है शिशु की, वो घर से ही प्रारंभ होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स रिलेटेड सभी क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड हैं। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं उसको आप अच्छे से देख लेंगे तो इससे बाहर किनेसियोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। जैसे कि किनेसियोलॉजी को आप पढ़ना है अच्छे ढंग से, हर एक टॉपिक को, चाहे लीवर हो, गति के नियम हो, एक्सिस हो, प्लेन हो, सभी को
आप अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए फिजियोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर कोई बुक आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।